नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और खुशहाल होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ, जो आपके जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में दिन पर दिन 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो मोटापे के शिकार हैं। मोटापा बढ़ना आज के समय में बहुत सारी बीमारियां नज़दीक बुलाने लग जाती है। तो मोटापा को हम कैसे दूर करें? बहुत ही बेहतरीन 3 योग अभ्यास लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आपके मोटापा, पेट की चर्बी बहुत तेज़ी से घटेगी। दोस्तों, मोटापा बढ़ता क्यों है? मोटापा बढ़ने के कारण क्या हैं? मुख्य रूप से मोटापा बढ़ने के 9 कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, ध्यान दीजिए। पहला कारण है तनाव। बहुत ज़्यादा चिंता तनाव करने के कारण भी आपका मोटापा, पेट की चर्बी बढ़ती है। फिर दूसरा है महिलाओं के लिए गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, जब बच्चा होता है तो उसमें भी मोटापा महिलाओं में ज़्यादा बढ़ता है, पेट की चर्बी ज़्यादा बढ़ती है। तीसरा है हार्मोन्स असंतुलन। चौथा, कई तरह की बीमारियाँ। पांचवा, दवाओं का दुष्प्रभाव। छठा है अनिद्रा की शिकायत, रात में सही से नींद न ले पाना। सातवां है शारीरिक सक्रियता की कमी, योग अभ्यास, व्यायाम, जॉगिंग, मॉर्निंग वॉक न करना। आठवां है उम्र का बढ़ना। अंतिम नौवां, अनुवांशिक कारण। दोस्तों, ये 9 मुख्य कारण हैं जिसके कारण शरीर में एक्स्ट्रा फैट, शरीर में मोटापा बढ़ता है और उसके साथ साथ आपके पेट की चर्बी भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। तो पेट की चर्बी को, मोटापा को हम कैसे कम करें? हमारे खाने पीने में क्या वरीयता हो, क्या हम परहेज करें, उसके बारे में ध्यान दीजिए। कुछ मुख्य बिंदु, जिसमें पहला है अपने दिन की शुरुआत कम से कम 30 मिनट योग अभ्यास से करें। अपना प्रतिदिन वजन न तौलें। प्रतिदिन सुबह कम से कम खाली पेट एक सेब जरूर खाएं। जितना हो प्रयास करें घर का भोजन ही ग्रहण करें। पांचवा, अधिक से अधिक पानी पीने का प्रयास करें। पानी जितना पियेंगे उतना शरीर में फायदा होगा, शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलेंगे। छठा, भोजन करते समय जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। भोजन धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। सुबह जब भी उठें 2 गिलास गुनगुना पानी करके उसमें आधा नींबू निचोड़ कर पिए, जिससे आपका पेट साफ हो, पेट में कब्ज गैस दूर हो। सुबह उठकर जरूर पानी गुनगुना जरूर पिए। ये सावधानियाँ आपको बरतनी है, इसके पालन करेंगे तो आपका वजन तेज़ी से घटेगा। साथ साथ मैं 3 योग अभ्यास बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपके वजन कम करने में, पेट की चर्बी कम करने में 100% आपके लिए उपाय है, उपयोगी है, असरदार है। 3 योग अभ्यास से पहले यौगिक सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है, वार्म अप। बिना वार्म अप के आप आसन करते हैं तो शरीर में खिंचाव हो सकती है, पेन होने शुरू हो सकते हैं, दर्द होने शुरू हो सकते हैं। तो कभी भी कोई भी योग आसन शुरू करें, 5 से 10 मिनट वार्म अप करना बेहद ज़रूरी है। तो उस वार्म अप का
5 से 10 मिनट हम कौन कौन से करें उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर वार्म अप हो जाए, गति योग के माध्यम से हीट हो जाए, ताकि आसन आप आराम से कर सकें, सहजता से कर सकें, सरलता से कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं पेट की चर्बी को कम करने के लिए यौगिक उपाय। सर्वप्रथम आप पैरों को सीधा कर लीजिए, बिल्कुल पैर सीधे, ठीक है। दोनों हाथों को उठाएंगे, नौका चलासन, नाव चलाएंगे कम से कम 10 बार उल्टा और 10 बार सीधा। कैसे आगे जाएंगे श्वास छोड़ेंगे, आप पीछे आएंगे श्वास भरेंगे। विशेष ध्यान आपको श्वासों पर रखना है। आगे आए श्वास छोड़ें, पीछे जाएं श्वास भरें। कम से कम आपको 10 बार उल्टा नौका चलासन करना है और 10 बार सीधा। अब सीधा चलाएंगे, आपको विशेष ध्यान रखना है श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है और भरते हुए पीछे आना है। विशेष ध्यान श्वासों पर रखना है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन योग अभ्यास है आपकी शरीर की चर्बी, पेट के फैट को दूर करने में। ये आपके कम से कम 10 बार उल्टा और 10 बार सीधा जरूर करें, अधिक करेंगे और ज़्यादा अधिक फायदेमंद होंगे। अब अगला अभ्यास है, दोनों हाथों को साइड में रखें, श्वास को भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। आगे झुकेंगे तो हाथ से पैरों को पकड़ लें और नाक से घुटना टच करने का प्रयास करें। हो सकता है शुरू शुरू में आपका पेट की चर्बी ज़्यादा है तो नाक से घुटना टच ना हो, तो कोई बात नहीं, प्रयास करें धीरे धीरे आगे जाने का जितना हो सके। श्वास भरते हुए ऊपर पूरे शरीर को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार कम से कम श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। विशेष ध्यान श्वासों पर रखना है। तीसरा और अंतिम अभ्यास, आराम से दोनों हाथों की एल्बो क्योनिया फर्श से मिली हुई, अब पूरा पैर को सीधा रखिए, ठीक है, और श्वास भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, छोड़ते हुए नीचे, अब श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को ऊपर, पूरा ऊपर उठाइए, याद रहे स्पाइन बिल्कुल सीधे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर दाहिना पैर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब कुछ देर तक इसी में होल्ड रखेंगे, जितना देर हो सके अपनी क्षमता के अनुसार। काउंटिंग कर सकते हैं मन ही मन, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, प्रयास करें अधिक से अधिक जितना देर रोक सके रोकने का प्रयास करें। बहुत तेज़ी से आपकी पेट की चर्बी, मोटापा दूर होगा।
जब थक जाएं तो आराम से लेट जाएंगे, वापिस आराम से बैठ जाएं पलटी मार के। ये तीन योग अभ्यास आपके पेट की चर्बी के लिए 100% यौगिक उपाय, 100% आपका समाधान होगा। नियमित करें, निरंतर करें, लगातार करें। इसका रिजल्ट आप 15 से 20 दिन में आप खुद देखेंगे कि आपकी पेट की चर्बी बहुत तेज़ी से घट रहा है, मोटापा बहुत तेज़ी से घट रहा है और शरीर बिल्कुल सुडौल और शानदार हो रहा है। तो नियमित करिए और स्वस्थ रहिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।